Assalamualaikum everyone and welcome back to another vlog. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे. अभी हुई है just good morning. ये आप लोग बल्कि ये time गलत है शायद. मुझे नहीं पता क्या वजह है. खैर हमारी good morning हुई है और आज हम लोग आए हुए हैं DHFA 6 के अंदर. ये आप लोग देख सकते हैं ये कोई होटल शोटल नहीं है, ये कोई घर है. ये सामने सैरी का नाश्ता वास्ता क्या था. ठीक है सैरी करके मैं यहाँ पे सो गया. यहाँ पे नहीं खैर सोया था मैं, यहाँ पे सोया हुआ था. तो ये सामान भी पड़ा है बस मैं वो लेने आया हूँ क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गुलबर्ग की साइड पे क्योंकि हमारे भाई आए हुए हैं उनके साथ जरा कुछ काम शाम थे. इनको कुछ काम था तो उन्होंने सुबह सुबह यहाँ से आवाजें लगाना स्टार्ट की. फिर चैन की नींद सो रहा था. पहली दफा मुझे इतने मजेदार नींद आ रही थी इतने लंबे अरसे के अंदर, लेकिन नहीं भाई आराम की भी नहीं. यहाँ से भी निकलते हैं, नीचे गाड़ियां खड़ी में चल के उनको गर्म करते हैं, उसके बाद सीधा गुलबर्ग निकलते हैं. लेकिन उससे पहले अभी जो मेन स्टार्टिंग की चीज मैंने डिसाइड किया था यार टीवी के ऊपर जरा कमेंट्स लगाएंगे. ठीक है लास्ट व्लॉग में जो आप लोगों से फ्रेग्रेंस के बारे में पूछा था वो देखेंगे, लेकिन अभी इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं. ये चीज तो कैंसिल हो गई लेकिन आप लोगों को मैं डिसअपॉइंट करूंगा, एक बड़े मजेदार चीज दिखाने लगा हूं और वो इस तरह का कुछ है, एक समथिंग न्यू है. और वो बात स्टार्ट होती है कुछ ऐसे, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कौन हो टिकटॉकर्स तो नहीं हो. चलो जी अपना वॉलेट उठा लिया, मोबाइल ये वाला उठा लिया और होपफुली कोई और सामान यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ. निकलते हैं बस यहाँ से. तोड़ो 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 हैमान, तोड़ो सब कुछ तोड़ो. देखो यहाँ से हम लोग नीचे देखे तो सामने वो खड़ी हिमान भी की गाड़ी, वो सामने खड़ी इसके. अच्छा तो भाई मेरा जो मोबाइल में असली वाला चार्ज था ये तो व्लॉगिंग कैमरा, जो दूसरा मोबाइल था वो बिल्कुल खत्म हो गया. स्कर के अंदर चार्जर नहीं पड़ा तो भाई हमने दे दिया माद भाई को. कैसे है भाई, वेरी लॉन्ग टाइम नो सी. हम लोगों ने यहाँ से जाना है गुलबर्ग तो चार्ज होगा बीच में कि नहीं. फास्ट चार्जर है फेक चार्जर आपने लगाया हुआ है. फास्ट चार्जर है 15 मिनट तक. अभी अभी सच में 0% ठीक है. अगर 15 मिनट तक ना हुआ ना, बल्कि मतलब हमारे गुलबर्ग पहुंचते पहुंचते तो जो आप कहोगे मैं करूँगा. डन करो, अल्लाह की कसम डन करो. वैसे भी लाहौर है मेरा हक बनता है ठीक है. अगर अगर मतलब 50% ऊपर ना हुई ना मैं पढ़ता हुआ जाऊंगा 160 से 170 में. ना हुई तो मैं करा. चैलेंज इज समथिंग गुड. क्या हाल चाल है तसीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं. कैसे आप? करीब ठीक. मेरे साथ आ रहे हैं आप? चलो आ जाओ, लेट्स गो जी, निकलते हैं यहाँ से. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं कुछ हम लोग इस टाइम आए हुए समनाबाद में ठीक है. ये पूरा कोई इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है. ये लोग पहले पहुंच गए तो इनको जरा फेंक दें. 90% बैटरी हमारी हो चुकी है और ये चार्जर मैंने इधर ही लगा लिया था. काम से फ्री हो जाए सही है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे. और मैंने आप लोगों को वो भी दिखाने थे, कमेंट्स भी पढ़ने, बहुत सारे काम करने वाले. लेकिन हम लोग पहले चलेंगे अफतारी करने और आज अफतारी करने इतनी कोई हसीन तरीन जगह पे जा रहे हैं, आप लोगों को खुद देख के भी मजा आए. मुझे मसला पता है क्या, मेन टेंशन क्या है, यहाँ से गाड़ी रिवर्स कैसे लेके जानी है. रिवर्स तो जाएगी नहीं, खैर मतलब बैक साइड पे जाएगी, इस तरह मुड़ के नहीं जा सकती. लेकिन जिस तरह ये नुकीले पत्थर पड़े हुए ना यहाँ पे, ये नुकीले पत्थर जरा हमारा काम खराब कर सकते. अच्छा जी तो जो हमें काम शाम थे वो करके हम लोग थोड़ा सा फ्री हुए हैं, लेकिन अब वापस आ चुके हैं. बड़ा गेट खोल दे. तो अभी हमाद भाई आ गए हैं. ये देखो मैं अपने घर आ गया हूँ क्योंकि हम लोग स्कर को खड़ा करने आए हैं. स्कर वहाँ पे जा नहीं सकती क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई वहाँ पे दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हो, मसला हो जाएगा. तो हमें इसको यहाँ पे घर खड़ा करना पड़ेगा, उसी गाड़ी में चलते हैं. तो जल्दी से बस पार्क कर. इस दरिंदगी का अंदाजा लगाए हैं मैं हूँ रोजे के अंदर ठीक है. ये नहीं कि गाड़ी यहाँ पे लाके खड़ी कर दो भाई, मैंने आना है फुल कोने के ऊपर लेके चले. जिंदगी की सबसे पहली और आखिरी बड़ी गलती कर ली हमने. खैर आप लोगों को दिखाना है कि ये है वो जगह जहाँ पे हम लोग आए हैं. सही है, ये कितना प्यारा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं. मैंने पहले घर जाना था, जाके नहाना था सही है, उसके बाद फिर मैंने निकलना था. लेकिन टाइम आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे इसको गाड़ी को पार्क कर दिया था. यही रीजन है कि मैं इस घर को लेकर अंदरून लाहौर नहीं गया था कि भाई वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक हो जाना था. तो खैर अभी घर जाके नहाएंगे, जैसे खाना आ जाता है आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना अंदर से बहुत प्यार है. तो अभी आपको मैंने आउटिंग का सारे दिखाया. ये चेक करो भाई, ये है इसकी एंट्रेंस और ये कैंट के अंदर है ठीक है. तो कैंट अभी हम लोग आए हुए हैं सीधा और चलते हैं अंदर, और अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं. ये यहाँ की इतनी प्यारी वाइब है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई इटली हम लोग आ गए. ये देखो आउट बाहर बैठने की भी जगह सही है और अंदर बैठने की भी है. जब हम लोग एंटर हुए थे तो अफतारी के लिए हमें ये मिला था, खा पी के हमने ख़त्म कर दिया. और साथ अभी फिलहाल मिंट मार्केट आई. ये है थाई चिकन चिली ड्राई, ये है मोरोकन चिकन, ये एक पिज्ज़ा हमने ऑर्डर किया था, और ये है सॉरी मशरूम स्टेक. हाँ वो मशरूम स्टेक है. एम्बियंस चेक करो ऊपर से है, कितना प्यारा लग रहा है ना, प्यारा ये क्या था. चलो जी खाना स्टार्ट करते हैं ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों से. 2 hours later आज से 1 महीना पहले आप भूल के चले गए थे. भूल के नहीं, ये चोरी हो गया. चलो ओके जी, खैर खैरियत से आप लोग पहुंचो ठीक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी. नहीं मुझे काम है करने के लिए. कैसे बंदे हो घर के आगे आगे पर कहाँ जाना? मैं बताता हूँ, मैं आपको रास्ता समझाता हूँ. यहाँ से आपने सीधा जाना है, लेफ्ट हो जाना है बस. तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए दोनों पहाड़ियाँ.
हेलो जी, वेलकम बैक। अभी मैं गया हुआ था उधर मोटरवे तक हमाद भाई को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से लोकेशन लगाए ना तो ये थोड़ी मतलब इस तरह का रास्ता है कि आपको गूगल मैप के बाद जब गूगल आंटी आती है ना आपको डायरेक्शन बता रही होती है, वो गूगल आंटी कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो मैंने कहा उन पर भरोसा नहीं करना, इनके पास टाइम भी बहुत कम था। तो मैं गया मोटरवे तक, उनको बस वो रास्ता दिखा दिया कि आप लोग यहाँ से बिल्कुल सीधा चले जाना। अभी हम लोग आ जाते हैं द मेन टॉपिक जो कि है आप लोगों का। सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया, ठीक है, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम एंड फोरी काकू पे लाइनें लगाई हुई थी कि काकू तुम ये परफ्यूम लो, काकू तुम ये परफ्यूम लो। यार अभी मैं शावर लेके ऊपर आ गया सुकून दे वाली जगह पे। मैं मोस्टली यहाँ पे रात में बैठा होता हूँ, ये देखो ये चेयर पड़ी हुई है। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। सोविज डियोर था, सही है, सोविज कहते हैं या सेविज कहते हैं पता नहीं, जो भी कहते। इसके अलावा था ब्लू डेसेनल और थर्ड वन था क्रीड एवेंटस। मैंने इनकी जरा प्राइसेस वगैरह चेक की, ठीक है, मतलब अच्छे खासे एक्सपेंसिव टॉप लेवल के परफ्यूम। तो खैर वो हम लोगों ने कल जाके लेने, लेकिन मैंने एक छोटी सी रिसर्च की और उस रिसर्च में आप लोग यकीन नहीं मानोगे क्या हुआ। पाकिस्तान में इसकी ऐसी डुप्लीकेट्स बनी हुई है ना, ऐसी डुप्लीकेट्स बनी हुई है कि आपको पता तक नहीं चलता कि आप असली ले रहे हो या फेक ले रहे हो। खैर अभी बस यहाँ पे जरा चिल करते हैं, उसके बाद सुबह उठते हैं और सीधा निकलते हैं परफ्यूम लेने के लिए। गुड मॉर्निंग जी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। बीच में गाड़ी खड़ी करके चले गए, कौन हो, टिकटॉकर तो नहीं हो? खैर अभी थोड़ी देर पहले मैं उठाऊं और अंकल जी हटा लें, थोड़ी सी आगे कर लें काइंडली, मैंने जाना है। थोड़ी देर पहले मैं उठाऊं और इतनी कोई प्यास लग रही है भाई, आज का रोजा पता नहीं क्यों इतना फील हो रहा है। देख लो कितनी तेज गर्मी है यहाँ। खैर तुम दो मिनट वेट करो, मैं भागता आया। यार आजकल पता नहीं क्या है कि जब भी मैं कैश निकलवाता हूँ दो दिन में ऐसे खत्म हो जाते पता ही नहीं चलता। A few moments later, कैश निकलवा के मैं वापस इस मैडम के अंदर आके बैठ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है पेट्रोल का। इसका भी वही हिसाब किताब है जैसे पैसों का, पैसे ऐसे निकलते हैं, इसका पेट्रोल भी ऐसे निकलता है। 15,000 तो इसको हम लोग अलग कर देते, ये वाला जो पोर्शन है ये सारा परफ्यूम का हो जाएगा, ये जो बाकी बच्ची कुची गड्डी है इसको हम लोग संभाल के रख लेते हैं, ये काम आ जाएगी। 35 डेज के बाद ये एक्सपायर होने लगे तो इसको भी हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये 2 साल मेरे साथ चला यार, कसम से इस काले शीशो की वजह से ना क्या मजा है। तो खैर ये भी बस खत्म ही होने लगे, इसको भी हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब आपको पता है गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, तो अब शायद देखेंगे क्या चक्कर बनता है। ये काले शीशों का लाइसेंस जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की मिनिस्ट्री से बनता है, और वो इस तरह नॉर्मली जैसे ये गाड़ी है ये गाड़ी है ये गाड़ी है इनको ऐसे नहीं मिल सकता। आपको कोई थ्रेट्स है सही है, आपको कुछ इस तरह का है तो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता, ये जो बड़े ऑफिसर्स वगैरह तो इनके लिए इनको अवेलेबल होते हैं लेकिन हमें नहीं मिल सकता। मैंने जिस तरह बनाया था, क्योंकि मैंने बनाया था कि लाइक मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखी थी कि भाई मैं एज अ यूट्यूबर हूँ, फैमिली होती है तो काले शीशे वगैरह, क्या पता यूट्यूबर होने के थोड़े बहुत फायदे हमें इस साल भी मिल जाए। कैर के अंदर हमने सिर्फ 5,000 का पेट्रोल डलवाया, क्योंकि यहाँ का जो पेट्रोल है वो इतना कोई खास नहीं है, तो हम लोग आगे जब जाएंगे वहाँ से भरवा लेंगे। शाम को इफ्तारी के लिए जब सुनील भाई के घर जा रहे होंगे उधर ही रास्ते में लोग अच्छे पेट्रोल पंप से डलवा लेंगे, क्योंकि यहाँ के फजूल पेट्रोल पंप भागती नहीं हैवान। तो अभी मैं बस जैस्मीन मॉल आया था, ब्लैक कलर जो है वो तो परमानेंट है और एक व्हाइट कलर मैनू पसंद आ गया। यार अभी हम लोग शॉप में पहुंच चुके हैं और जो दो सबसे मोस्ट फेमस परफ्यूम थे ये ब्लू दे शनेल सोवाज डियोर का ये प्योर परफ्यूम है, ठीक है, तो ये दो थे और एक था ये क्रीड का। इन दोनों के हम लोगों ने स्मेल कर लिया, अब ये दो इन दोनों में से बहुत मुश्किल है डिसाइड करना कि हम लोग कौन सा लेंगे। ये ओरिजिनल है ना? हाँ जी। इसकी ओरिजिनल प्राइस बताएं? 48,000 आफ्टर डिस्काउंट। और ये इसकी क्या प्राइस है? आफ्टर डिस्काउंट 84 है ये। 84,000 रुपीस का। तो लिफ्ट पे ऊपर मेहमान खान बताते हैं डबल टेन यार ठीक है रहे हैं, लेकिन वो हमारा स्टोर शॉर्ट हुआ है जिस साइड से मेरी बनी। और घर वापस आके नहा के मैं फुल रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जाने लगे हैं सुनील भाई के घर में। जो भी शर्ट लेकर आए मैंने कहा वही पहन लेते हैं, साथ में शूज वगैरह सब, मतलब अपनी तरफ से मैं सही रेडी हो गया। और जो मेन चीज हम लोग लेने गए थे सोवाज डियोर का परफ्यूम भी हम लोगों ने फाइनली ले लिया है। नो डाउट उन दोनों परफ्यूम की भी बहुत टॉप क्लास है, लेकिन इसकी उनसे ज्यादा। यहाँ पे ना इसके एक नंबर लिखा होता है, ठीक है, तो वही सेम नंबर जो बॉक्स के ऊपर लिखा होता है वो आपकी बॉटल के नीचे बॉटम पे भी लिखा होना चाहिए, तब जाके आपको पता चलता है कि ये सच में रियल। नहीं तो आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत ज्यादा कॉपी शॉपी आ रही है, तो इसका बोतल का नंबर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये है वो बोतल जिसका हमने कितना इंतजार किया है, जिसको लेने में कुछ ज्यादा ही देर कर दिया, जो हमें पहले ले लेनी चाहिए थी। ये बॉटम के ऊपर इसकी बोतल के 3601 ये इसका नंबर लिखा हुआ है, तो अब इसके बॉक्स के ऊपर देखते हैं। ये इसका नंबर भी मिल गया है 3601 इसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ यार वल्लाह क्या खुशबू है, इतनी कैची इसकी फ्रेग्रेंस है ना, वल्लाह कोई अगर बंदा लगा के बैठा हो ना मैं उसके पास से गुजरू मैं उधर ही खड़ा रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, इतनी प्यारी खुशबू है। 4:45 हो गए, अभी मैं आया हूँ पीछे कार वॉश पे, स्कर्ट वॉश हो रही, क्योंकि द लेजेंड के घर हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी पे, तो गाड़ी आपको पता है गाड़ी हम धुलवाए बगैर जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर होते हैं देखने के लिए ना, कि बहुत जगह मिल जाते हैं, क्योंकि मैं इधर ही गुलबर्ग में घूम रहा था, तो आपको पता है यहाँ पे कितने ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको ऑब्जर्व किया पहले, मेन बात आ जाती है हर, अब देखो आप किसी को देखते हो ना वीडियोस में यूट्यूब वगैरह में,
सेम इसका भी यही रिस्पॉन्स था। तो आप लोग अगर मेरे से आ रहे हो ना मिलने के लिए तो शर्माओ मत, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये होता है कि यार हम जाके मिलेंगे पता नहीं अगले बंदे का किस तरह का रिएक्शन होगा, क्योंकि हर किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे ही है ना, तो इसको भी ऐसा फील होता है। मैं कभी किसी को बुरा फील नहीं कर रहा था, तो आप लोग कभी भी आ सकते हो मिलने के लिए। लेकिन जिस दिन पाक फिल्म के ऊपर मेरा रिव्यू था उस दिन मैंने स्कर्ट को इतना ज्यादा चमकाया नहीं था, इतना ज्यादा साफ सुथरा नहीं किया था जितना आज के दिन मैंने करवा लिया। तो खैर बस अभी मैं पहुंच चुका हूँ सुनील भाई के घर में, ये अभी वॉश करवा के रहे हैं और ये देखो हाथों के निशान लगे हैं, आप लोगों को पता है इशारे पे जब खड़े होते हैं तो क्या होता है। ओह सुनील मैन जी आपका कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। मुझे पता है फरहान साहब ने ना कैमरे ऑन किए थे, मैंने हर तरफ कपड़े डाल दिए। भाई अफ्तारी का टाइम हो चुका है, सही है। और ये देखो ये मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अपने नाम के ऊपर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है इन भाई का नाम, ये भाई यहाँ बैठे हैं। कैसे अभी भाई? सही नाम पे हूँ। आपका नाम सही है? चलो गुड। और वासिफ भाई आपका नाम किधर है? बल्कि आपका नाम ही हर जगह ही है, आपको जरूरत नहीं है। हाउ आर यू हुज़ैफा भाई? हुज़ैफा भाई अभी बिजी है जरा थोड़ा सा व्लॉग के अंदर। चलो जी अफ्तारी का टाइम हो गया, ठीक है अफ्तारी का। जिस चीज़ का हमें वेट था सबसे ज्यादा वो टाइम आ चुका है और वो है रोटी। रोटी खोल चुकी है जी। तो यहाँ से चल के जरा अपना खाना शाना डालते हैं हम लोग। थैंक यू बाली भाई, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, ठीक है खाना खा के फ्री हो चुके हैं। सारा बारबेक्यू था, वो स्वीट्स वगैरह पड़ी हैं यहाँ पे, नान शान, ठीक है जम के हमने खाना खा लिया। अभी यहाँ पे बस फोटो सेशन हो रहा है, तो जैसे फोटो सेशन होता है हमारी, वैसे ग्रुप फोटो थी, एक ग्रुप फोटो हमने क्लिक कर लिया। ये हमें मिल चुका है एक ईद मुबारक का गिफ्ट, ना जाने अनजाने इसके अंदर क्या होगा वो हम लोग घर जाके देखेंगे। इसी एरिया में आसपास के, आसपास के। हाँ आज हमने भाई की याददाश्त का पता चल किसी जगह पे मिला। एग्जैक्टली चले वो बता दिया, फिर आप गेस कर लेंगे। जगह बताओ पार्क व्हील्स। अच्छा पार्क। जब आप वो फॉर्च्यूनर ले रहे थे उस टाइम ऑफिस से आपने, आए याद आ गया भाई, निकलने लगे। ओ हेलो जी, क्या हाल चाल है? थैंक यू। हेलो बिग ब्लॉगर्स, इधर आओ। आप लोगों को एक दो बंदों से मिलाता हूँ, देखो। क्या हुआ हसन भाई? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक जी। ये जो टाइकन खड़ी हुई है ना, इसको कोई अभी फिलहाल मुंह नहीं लगा रहा। मेन सारा जो मेन पॉइंट बना हुआ है वो है ये। एफएक्स ना ले ले हम लोग हैं। ले लेते हैं। और अब हम लोग देखेंगे पोर्शे टाइकन। सीना है ये भाई। ओए भाई। एक अलग ही कोई फील आ रही है इसके अंदर से। पोर्शे के अंदर मैं आज जिंदगी में कोई पहली दफा बैठ रहा हूँ, ठीक है। ये इसका जो इंटीरियर है ना, आए हाय भाई। सुनील भाई से पूछने के स्टार्ट में ही कहने लगे, स्टार्ट हो गई है। अच्छा ऑल इलेक्ट्रिक है ना, मजाक करो मजाक करो। नो डिसरिस्पेक्ट टू पोर्शे, ऐसा लगी आवाज आती है। नहीं वो तो ऑन ऑफ भी नहीं होती, उसका तो ऑन ऑफ का भी कोई सीन नहीं है। नहीं उसके स्पीकरों से भी नहीं आता, उसकी चाबी अंदर रखो, टेस्ला की तो चाबी अंदर रखो, खुद अंदर बैठो दरवाजा बंद करो तो वो 800। ओए नाइस यार, ये जो लोगो है ना भाई। ओके जी सो जाओ। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आप लोगों को सच बात बताऊं मुझे इस गाड़ी से प्यार क्यों है तो वो है इसकी ये बैक लुक। ये जो बैक लुक है ना इसकी, एक वो ईट्रॉन की भी वो साउंड की मोटर जैसी वो नहीं है। आवाज तो है भाई, आर्टिफिशियल साउंड बहुत खूबसूरत कसम से। आप ऐसे तो हाथ आएंगे नहीं, आपको बीच में ही हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल एक डेढ़ साल में इंशाल्लाह दोबारा महीने में एक दो दफा लास्ट, ठीक है। ओके सुनील भाई थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, हसन भाई हुज़ैफा भाई और अस्कर आप लोगों की जान खड़ी भी है। क्या नाम है जी आपका? जैन। रिम्स देखे, रिम्स से पहचाना है, इसे नंबर प्लेट से नहीं पहचाना आपने? नहीं वो नंबर प्लेट दूसरे नजर नहीं आ रहा भाई। देखो हसन भाई कह रहे थे कि पहले मीटर पे काकू तुमने पैसे नहीं देने। मैंने 5,000 का नोट दिया, ठीक है 1,000 का दिया, मैंने खींचा वो फट गया, 1,000 का नोट फट गया। तो अब आप लेंगे 5,000 का, ठीक है? नहीं नहीं 1,000 वाले लेंगे। दे 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 11 नहीं 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 क्या कह रहे हो? टाइम आपके पास अगर ज्यादा टाइम है तो ले लो भाई इनका फटा हुआ 1,000 रुपए का नोट। इसको अभी हम लोग टेप लगा लेंगे, ठीक है जो नोट हमसे फटा। हाँ जी हाँ जी।
तो भाई फाइनली वापस घर आ चुके हैं और इन गिफ्ट्स को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये फैजान का नाम लिखने के लिए, तो ये जिसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ है, जरा इसको खोल के देखते हैं अंदर क्या है। वो मिठाइयां, सुनील भाई आई एम ऑन अ डाइट, मजेदार मिठाइयां, लेकिन छड्डो आपके लिए डाइटिंग तबाह कर देंगे सुनील भाई। क्या बात है जी, इसका क्लच चेक करो कितना प्यारा है, फॉर्मूला वन। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, आराम से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अंटिल देन।